इस वाले वीडियो में हमारे पास बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट आया है। इसको दिखाने के लिए मेरे को अपनी छाती चीरनी पड़ेगी। ये अपने पास है गूगल पिक्सल वॉच। गूगल ने सोचा इंडिया वाले क्या ही खरीदेंगे, तो मत लॉन्च नहीं करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम है ना, मतलब एप्पल और सैमसंग वॉच के सामने क्या तगड़ा कम्पीट कर सकता था ये वाला वॉच, लेकिन इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। चाइना वाया दुबई टू मुंबई टू दिल्ली टू नोएडा टू आवर टेकूब स्टूडियो। तो आपके लिए इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं भाई। महंगे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग ऐसी होती है, नो कैची इन्वॉल्व। ओ भाई क्या तगड़ा लग रहा है देखने में। हमारे पास ये चैंपियन गोल्ड कलर में है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है सच में। जस्ट लव दिस कलर। वैसे मेरे पास एप्पल वॉच सीरीज 7 है और ये है पिक्सल वॉच। ये 42 mm है, ये है 41 mm। अभी इसको निकालते हैं भाई बाहर। भाई मेरे को बहुत तगड़ा लग रहा है ये। इसका डिस्प्ले सच में बहुत चिकना है भाई, मतलब इतना चिकना तो मैंने कभी फील ही नहीं किया। एक सबसे पहले तो हम चिकना टेस्ट करेंगे। आग बंद करो भाई, एप्पल वॉच और पिक्सल वॉच दोनों रख लेंगे। तुम क्या बताना कौन ज्यादा मक्खन है भाई। ज्यादा चिकना कौन फील हो रहा है बता दे। बिना रुके ही एकदम चले जा रहा है एकदम। किसी गोरी का गाल हो। बिल्कुल देखो भाई, गूगल पिक्सल था ये। ये पूरा वो लग रहा है एग के अंदर से येलो वाला से नहीं निकलता एकदम उसके तरह। बॉक्स में यहाँ पे आपको स्ट्रैप लगाया हुआ है, एक्स्ट्रा एक है, और ये है इसका चार्जिंग केबल। भाई गरीब आदमी को ना महंगी चीज की आदत ही नहीं है। नाइस। और ये इसका चार्जिंग डॉक, पूरा व्हाइट एंड मैट फिनिश में है। इसका चार्जर एकदम वॉच की तरह लग रहा है। एक बार इसका होल्डिंग टेस्ट करते हैं। ओके, होल्डिंग तो भाई नहीं कर पा रहा, मैंने हाथ लगा रखा नीचे, मेरे को गिराया नहीं इस वाले वॉच को अभी। अगर आप ऐसे करके चार्ज करते हो कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली आपको बिल्कुल भी। बॉक्स के अंदर आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाएगा, थोड़े बहुत ज्ञान की पुस्तकें इसके अंदर भाई, जिसका हमें कोई काम नहीं है। सबसे पहले वॉच ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे गूगल का एनिमेशन आएगा मस्त। अभी गूगल का लोगो आ चुका है यहाँ पे दोस्तों। जो एक्सपीरियंस है इसका पूरा पूरा एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच का लग रहा है, एप्पल वॉच से कहीं भी कम नहीं है। इवन कि जो इसका स्ट्रैप है ना, एप्पल वॉच से थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, ऑन हो चुका है, ये बोल रहा है पिक्सल को पास में लाओ। और जैसे मैं लाया पास में देख सकते हो, गूगल पिक्सल वॉच गो टू प्ले स्टोर। अभी तक मैंने एक बटन दबाया है, इसने कंफर्म कराना है इसको। जब तक अपना वॉच कनेक्ट हो रहा है, इसका आपको स्ट्रैप दिखा था। इसके स्ट्रैप को गूगल ने बोला था जैसे कैमरे का लेंस अटैच होता है कैमरा से, उसी टाइप का फील आने वाला है। अब मैं एक बार ट्राई करता हूँ। बटन यहाँ पे आपको दबाना पड़ेगा, बहुत सॉफ्ट बटन है, उसको फिर उसके तरफ करो और ये खुल गया। इट्स इजी ऑनेस्टली। स्ट्रैप निकालने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ये वाला वॉच भाई डिजाइन का मास्टरपीस है ऑनेस्टली। लाइक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये। स्ट्रैप के यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पिंस विंस हैं। अब मुझे पता नहीं किस काम के लिए। नीचे के साथ यहाँ पे लिखा हुआ मेड इन वियतनाम। डिजाइन में बहुत तगड़ा है, जैसे कैमरा में लेंस को घुमाते हैं। बहुत अलग तरीका है भाई लगाने का इसका। इसके बटन की साइड से जाना पड़ेगा, घुमाना है, लग गया। कब लगता पता ही नहीं चलता, लेकिन भाई कितना भी खींच लो बाहर निकलने वाला नहीं है। कनेक्ट करते हैं। ये बोल रहा है भाई कि वॉच पहनो, पहन लेते हैं भाई। भाई तो बड़ा अच्छा फिट लग रहा है यार। मैंने रिव्यूज देखे थे बाहर वाले यूट्यूबर्स का, उनका तो ऐसे फिट ही नहीं हो रहा था भाई। मेरे को तो बहुत तगड़ी फिट लग रही है ये, हिला नहीं पा रहा है इसको अच्छे से। मेरे हिसाब से छोटा वाला स्ट्रैप आएगा, इसको लगाता हूँ। निकल गया, अब पहनता हूँ दोबारा। एप्पल वॉच पहने थोड़ा ज्यादा आसान होता है, आप इसको बस टैप करो और लगा दो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है पिक्सल में, लेकिन थोड़ा ज्यादा लॉक्स वॉक्स भी है। पीछे से देखते हैं थोड़ा वियर्ड लग रहा है पिक्सल, एप्पल ज्यादा सिंपल लग रहा है देखने में। लेकिन एक बार को किसी ने एप्पल वॉच ऐसे खींचा ना, फौरन निकल जाएगा। इसको भाई खींच के दिखाओ, लंबा खींचो फिर यहाँ से निकालो। तो हाँ भाई थोड़ा सिक्योर तो है ये। गूगल ने फिटबिट के साथ कोलैब करके बनाया वाला वॉच। वॉच पे पैटर्न लॉक लगा सकते हो, लिखता हूँ मैं, चलो जेड लगाता हूँ। कनेक्ट करती वॉच पे अपडेट आ गया, अभी अपडेट हो रही है। सो गाइस मैंने जस्ट अभी अपना गूगल पिक्सल वॉच कनेक्ट कर लिया। और इसको कनेक्ट करने के लिए आपको फिटबिट एप्लीकेशन चाहिए होता है, और वॉच को संभालने के लिए पिक्सल वॉच का एप्लीकेशन चाहिए होता है। दो एप्लीकेशन चाहिए और दोनों कनेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, मतलब भाई टाइम लग गया ऑनेस्टली। अभी ऐसा करता हूँ मैं इसको 3-4 दिन यूज करता हूँ, जिम में घर में दौड़ता भागता हूँ, और देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस आने वाला है। क्योंकि भाई एक महंगी वॉच है, इनिशियली मुझे बहुत ज्यादा प्रीमियम लगी है एप्पल वॉच के सामने भी भाई। तो आपसे मिलते हैं 2 दिन के बाद। दोस्तों बहुत दिनों के बाद, आई मीन 3 दिनों के बाद, 6 लग रहा होगा आपको, लेकिन ये मेरे 3 दिन 6 दिन की तरह गुजरे हैं। क्योंकि मैंने अपना एप्पल वॉच को साइड में करके पिक्सल वॉच को एज अ प्राइमरी वॉच यूज किया, और इसके लिए मैं आपको पिक्सल 7 यूज कर रहा था। सबसे पहली बात, जब आप वॉच यूज करोगे तो इसका डिस्प्ले सच में बहुत ज्यादा प्रीमियम एंड अमेजिंग फील आएगा। वन ऑफ द बेस्ट एमोलेड डिस्प्ले है ये फॉर श्योर। लेकिन प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। सबसे पहला प्रॉब्लम है, अगर मैं इसका टॉर्च ऑन करता हूँ यहाँ से, आप इसका चिन फील कर सकते हो और ये छोटा फील होता है। आपको कंपैरिजन के लिए एक बार, और इसका टॉर्च मैंने ऑन कर दिया, आप देख सकते हो ये होती है प्रीमियम वॉच गूगल वालों। देखने में मस्त लगती है, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था। लेकिन इनका जो सेकंड वाला बटन है ये वाला, आपको इसके लिए नीचे जाना पड़ता है लिटरली अपने फिंगर को लेके। इस वाले बटन को बहुत ज्यादा हार्ड बनाया गया, और ऐसा बनाया गया कि एकदम मिनिमल सा फील हो और इसके डिजाइन को डिस्टर्ब ना करे। कितना टाइट है, आवाज सुनो आप।
लेकिन अगर कंफर्ट के बारे में बात करें तो वॉच बहुत ज्यादा लाइट वेट फील होती है। इवन कि इसका वेट 60 ग्राम्स है और अगर एप्पल वॉच देखते हैं 57 ग्राम्स और बैक साइड से पूरा ग्लास है। अगर आप साइड से वॉच देखोगे तो थोड़ी सी थिक फील होगी लेकिन भाई आपके रिस्ट में मस्त फील होती है, एकदम ऐसे प्रीमियम चीज यूज कर रहे हो। लेकिन जो इसका डिजाइन है, पता नहीं क्यों इस डिजाइन में वो वाली बात नहीं है कि लोग नोटिस करें। अगर आप एप्पल वॉच लगाए घूमते तो लोग बोलते हैं भाई कुछ ऐसे महंगा सा वॉच तो है। इसके साथ वो वाला भाव मुझे मिला नहीं यार। मैं अपने घर पे दो दिन तक लगाए घूमा, किसी ने पूछा नहीं कि कौन सा वॉच है, और एप्पल वॉच में एक घंटे में समझ गए थे लोग। और वॉच के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, और ऐसे थप्पी मारोगे आप ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे शिफ्ट हो जाता है। और इवन कि अगर आप वॉच यूज कर रहे हैं और थप्पी मारते हो तो वहीं पे टाइम दिखा देता है। छोटे मोटे चीजें हैं जो कि आपको काफी कन्वीनियंट फील कराती हैं वॉच को। दूसरी बात, वॉच का रेस्ट टू वेकअप और हैंड जेस्चर्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब हाथ मैंने ऊपर किया, इसको पता है कि इसको वॉच यूज करना, तो फौरन एनिमेशन हट गया और लिट हो गया वॉच। मुझे पता है कि सब चीज भाई प्रीमियम वॉचेस में होती है, नॉर्मल है, लेकिन इसका एनिमेशन के साथ इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा लगा। और वॉच का जो क्राउन बटन है मुझे स्पेशली बहुत ही अच्छा लगा। एप्पल वॉच का क्राउन भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है और अच्छा काम करता है, और इसके अंदर भी हैप्टिक्स फील होता है आपको। लेकिन पिक्सल ने हैप्टिक्स के ऊपर कुछ अमेजिंग काम किया है भाई। मतलब इसका हैप्टिक्स बहुत स्ट्रांग है और इसका क्राउन बटन भी थोड़ा सा आपको बड़ा मिलता है, लेकिन इसका यूज केस उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि अगर आपको वॉच फेस चेंज करना है तो लॉजिकली भाई यहाँ से चेंज होना चाहिए था, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, आपको उंगली से ही करना पड़ेगा। और एप्पल वॉच के अंदर भाई क्या मक्खन काम करता है, ये देख रहे हो, मिनट वाला डायल उल्टा घूम रहा है और एक्चुअल लाइफ में देखते हैं बहुत ज्यादा तगड़ा लगता है ये। और अगर आपको वॉच फेस चेंज वेंज करना है तो इनका जो इनबिल्ट वॉच फेस है बहुत ज्यादा बेकार काम किया उन्होंने, बहुत ज्यादा मिनिमल कर दिया। मान लिया गूगल एक मिनिमलिस्टिक कंपनी है भाई, लेकिन ऐसे कुछ फंकी वाला भी चीज हो सकता है। ये वाला इनका पिक्सल वॉच एप्लीकेशन है, इसके अंदर आप देखोगे तो सारे के सारे बहुत ही बेसिक वाले वॉच फेसेस हैं। अगर आपको वॉच फेसेस फंकी वाले चाहिए तो आप थर्ड पार्टी से इंस्टॉल कर सकते हो। और पिक्सल वॉच का ये वाला एनिमेशन मुझे बहुत प्रॉपर लगा। एक्चुअल में आपका वॉच फेस कैसा लगने वाला दिख जा रहा है यहाँ पे, तो इसको करके आप यूज ऑन वॉच कर दो और बहुत ही क्विकली हुआ है काम। वॉच से भी आप कस्टमाइज कर सकते हो और एप्लीकेशन से भी कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ से आप कुछ कलर वाला चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत लेआउट चेंज कर सकते हो, बस ये शुरू होती खत्म होकर यही हो रहा है। एक्चुअली कस्टमाइजेशन और इंटरेस्टिंग चीजें होती है वॉच के साथ करने वाली, वो मिसिंग है इस वाले वॉच में। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। देखो आप जैसे इसको बटन दबाते हो ये मेन्यू खुल जाएगा यहाँ से, इसके अंदर आपको पूरा कॉन्टैक्ट सिंक हो जाएगा आपके मोबाइल के थ्रू, और यहीं से आप कॉल लगा सकते हो। मैंने अपने पापा को कॉल लगा लिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? देखो यहाँ से मैंने म्यूट कर दिया पापा को, वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकता हूँ, काम आराम से कर जाएगा। बापू का तबियत ठीक है, दोनों में वाटर प्रूफिंग मिल जाती है। और आपने वॉच आपने देखा जैसे नोटिफिकेशन आया, लाउड एनवायरनमेंट, भाई ठंड में हाथ धोना पड़ रहा है यार। इवन कभी कभी एप्पल वॉच नोटिफिकेशन देता है आपको 20 सेकंड तक हाथ धोने का पानी की आवाज को सुनकर। ऐसे कुछ फीचर्स आपको पिक्सल वॉचेस में नहीं मिलता। प्रेस एंड होल्ड किया मैंने, देखो भाई इसने पानी सारे निकाल दिया। पिक्सल वॉच के अंदर आपको खुद निकालना पड़ेगा। वैसे इसके क्राउन के अंदर यहाँ पे जो बटन है ये आपको टच बटन भी काम करता है, जब भी आपको एज ए ईसीजी यूज करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको मूवी मोड है, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे आप टैप करके मोबाइल को ढूंढ सकते हो, गूगल पेमेंट है, टॉर्च वॉच है इसके अंदर। और ये वाला फीचर बहुत अच्छा लगा, इसको ऑन करने के बाद आपका वॉच आपके वॉच पर टच काम नहीं करेगा। इससे होगा क्या कि आपका वॉच ऐसे नॉर्मल वॉच काम कर सकते हो। मैप्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप न्यू अशोक नगर पहुंचना है आपको, पूरा डायरेक्शन देख सकते हो। इवन की शो रूट में करके पूरा मैप इसके ऊपर खुल जाएगा। और ये बहुत मस्त काम करता है भाई, देखो जूम इन जूम आउट, भाई देखो दिल्ली दिख रही है। अरे अरे भाई मेरा एड्रेस दिख गया। छोटी मोटी चीजें आपको बहुत अच्छे से इंटीग्रेट की गई है देखो। और यहाँ पे आपको YouTube म्यूजिक मिल जाएगा और अपना आप TWS भी कनेक्ट कर सकते हो उसके साथ। और अगर आपको गाना वाना सुनने का मन कर रहा है, YouTube म्यूजिक स्टार्ट करते हो और आपने कोई भी गाना प्ले किया, वॉच के अंदर अपने आप कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, देखो भाई मस्त मीडिया कंट्रोल भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने गलती से इसको बंद कर दिया उसके बाद भाई इसका ढूंढना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, इसके नोटिफिकेशन पैनल में बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप अगर नीचे जाओ तो भी यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। मोबाइल के अंदर यहाँ पे YouTube म्यूजिक है, अगर आप वॉच पे जाते हो YouTube म्यूजिक में जाओगे आप, तो यहाँ से आप म्यूजिक नहीं बजा सकते हो मोबाइल के अंदर। यहाँ से बोलेगा भाई कोई नया डिवाइस ही पेयर करो, मोबाइल है तो मोबाइल पे बजा दो स्पीकर पे, लेकिन नहीं। और अगर वीडियो के लास्ट में बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, देखो इसकी बैटरी मुश्किल से एक दिन चलेगी, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स हैं बहुत एक्यूरेटली काम करते हैं और 24/7 अपने आप काम करते हैं। तो सारे आपके दिल की धड़कने, आपका मूड क्या चल रहा है, स्ट्रेस कैसा चल रहा है, जिंदगी में क्या हो रहा है, सब चीज ट्रैक करेंगे, उसी वजह से इसकी बैटरी एक दिन चल पाएगी। मैं लिटरली इसके ऊपर स्लिप ट्रैक नहीं कर पाया इसीलिए। ओवरऑल बात करूं तो भाई इस वाले वॉच में एप्पल वॉच को बीट करने जैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मतलब कि क्लोज भी नहीं आ पाएगा। लेकिन डिजाइन वाइज और एंड्रॉइड वॉच के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा। मतलब कि वॉच एक होती है जो कि आपको बता देती है भाई ये
होने वाला है, ये हो रहा है, इस एनवायरमेंट में हूं, लाउड हो रहा है मामला, निकल जाओ यहां से, कुछ भी वो सब चीज इसके अंदर नहीं है। तो वो स्मार्टनेस थोड़ी कम लगी मुझको, मुझको एक पिक्सल का छोटा सा डिस्प्ले फील हुआ जो कि मैं अपने हाथ में घूम रहा हूं, जिसमें आपको हिल ट्रैकिंग कर लेता है। डिस्प्ले अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, दिखने में प्रीमियम है, फॉर द प्राइस पॉइंट ऑफ 35,000 रुपीज मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और इसी वजह से इस वाले वॉच को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। लेकिन स्टिल अगर आप एक एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा सैमसंग का वॉच 5 सीरीज या 4 सीरीज कोई भी ले लो, फॉर द प्राइस पॉइंट ऑफ 20-25 में मिल जाता है और बहुत ही तगड़ा वॉच है वो सारा। इस वाले वीडियो कितने था, आई होप कि आपको पसंद आ गई होगी। एंड जय हिंद। फाइनली खत्म हो गया वीडियो, अब पहन लेता हूँ और जिंदगी जीता हूँ आराम से।